हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर डोमिनेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये है हमारा कोर डोमिनेंस यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। में देखिए क्या था कि जो डोमिनेंस है, इनडोमिनेंसी है, वो फुली आपका जो है डोमिनेंट नहीं कर पाता है इसमें डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका को डोमिनेंस है यानी कि जो भी आपका जीन में पेयर आपका आता है वो इक्वली डोमिनेंट है और जो है आपका मिल करके जो है डोमिनेंसी को शो कर रहा है, तो ये क्या है आपका कोडोमिनेंस। देखिए टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रोसेस वेयर द F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस और वाज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब से पहले यानी कि हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें जो F1 जनरेशन है वो किसी एक पेरेंट से, जैसे कि नहीं हम क्या होता है कि डोमिनेंस का लो भी कहते हैं, या तो किसी एक पेरेंट से आपका रिजेंबल करता है या फिर क्या होता है इन बिटवीन सिचुएशन आती है जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बट इन द केस ऑफ द कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जनरेशन F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ RBC दैट डिटरमाइंड ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। यानी बेस्ट एग्जाम्पल आपका ले सकते हैं हम RBC का, जिनके पास क्या होता है ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, यानी जो इसके लिए जीन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं हम I से। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC है शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ द शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। यानी कि जो आपका RBC होती है उसके ऊपर जो आपके ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं वो उसके ऊपर क्या होती है एक शुगर पॉलीमर प्रेजेंट पर होता है, इससे वो कंट्रोल होता है कि कौन सा जीन आपका वहाँ पे प्रेजेंट है, आपका जो है कौन सा जीन वहाँ पे प्रेजेंट है और वो कौन सी शुगर जो आपका बना रहा है। एंड द जीन I हैज द 3 एलील्स IA IB एंड IO एंड द एलील्स IA ये आपका ब्लड ग्रुप ए के लिए है, IB बी ब्लड ग्रुप के लिए है और जो ओ होता है वो क्या होता है वहाँ पे, इसका मतलब क्या है कोई भी आपका एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं है, वो तो नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो देखिए उन्होंने कहा IA और IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर वाइल एलील्स IO डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। यानी कि जो IA है और IB है वो जो शुगर बनाते हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है, जबकि IO जो बनाता है वो आपको क्या होता है कोई शुगर बनाता ही नहीं है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड ईच पर्सन पजेसेस एनी टू ऑफ द 3 I जीन एलील्स। यानी कि जो हम हैं हमारे पास क्या होता है भी आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और कोई भी आपका जो है एक जीन प्रेजेंट होता है IA IB या IO में से एंड आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर IO। यानी कि देखिए जो IA है और IB है वो IO को डोमिनेंट कर लेते हैं, यानी ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है और ये क्या होता है रिसेसिव होता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA और IO यानी कि IA और IO एक साथ अगर प्रेजेंट होंगे तो IA जो होगा वो आपका एक्सप्रेस होगा जबकि IO जो होगा वो सप्रेस कर ले जाएगा क्योंकि कोई भी शुगर नहीं बना रहा है। अगर IB प्रेजेंट होगा साथ में और IO होगा तब भी क्या होता है आपका कंडीशन क्या होती है IB एक्सप्रेस होता है IO जो होता है सप्रेस कर ले जाता है। लेकिन अगर कंडीशन क्या है आपकी IA और IB दोनों ही प्रेजेंट है साथ में तो क्या होता है दोनों ही कंडीशन में दोनों ही शुगर बनेगी तो क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। एंड हैंस RBC हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर्स एंड सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स एंड देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और आपके उसकी वजह से क्या होता है अलग अलग एलील्स की वजह से ऐसा होता है। एंड देयरफॉर अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स जो है हमारे यहाँ पे बनते हैं 6 जीनोटाइप बनते हैं। और फिनोटाइप में पूछे कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो फिनोटाइप तो कितने पॉसिबल होंगे या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर बी होगा या फिर क्या होगा आपका ओ होगा या फिर क्या होगा AB होगा, यानी 4 फिनोटाइप आपके हो सकते हैं। और जीनोटाइप कितने बनते हैं हमारे 6 बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा टेबल से जो है नीचे दी हुई है उससे हम क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिक फॉर्म है, मतलब आपका कोई भी पेरेंट है उसके पास सपोज करिए ये फॉर्म है और पेरेंट बी है उसके पास ये आपके एलिल्स प्रेजेंट है तो जीनोटाइप क्या होगा ओवरस्प्रिंग में और उसका जो है ब्लड ग्रुप टाइप यानी फिनोटाइप से क्या हो सकता है।
सपोज करिए पेरेंट ए है, पेरेंट फर्स्ट है, उसके पास आई ए, यानी कि ये वाला आपका जो है एल प्रेजेंट है, और जो पेरेंट टू है उसके पास भी क्या प्रेजेंट है, ए ही प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल आएंगे आपके जो पेयर होगा जीन का, तो क्या आएगा आपका फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। और साथ के साथ अगर हम आपको क्या करते हैं, आई ए के साथ में कौन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, ए और बी दोनों साथ में आएंगे, तो दोनों इक्वली डोमिनेंट है, क्या आएगा, कोडोमिनेंस, इस वजह से ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और आई ए है तो साथ में अगर हम आई ओ रखते हैं तो क्या होता है, ये ए होता है, इसको सप्रेस कर लेता है, और क्या होता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप ए शो होता है। देखिए हम क्या करते हैं, तीनों जो है एल है तीनों को लेकर के चलते हैं, पहले यहाँ पे हमने ए लिया है और ए के साथ में तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाया है, फिर बी के साथ हम तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, और फिर आई के साथ फर्दर यही सिचुएशन रहेगी। अभी हम बात करते हैं बी की, आई बी के साथ में हमने आई ए को रखा है, तो तब भी क्या कंडीशन बनती है आपकी, कोडोमिनेंस में ए भी ब्लड ग्रुप आएगा, बी के साथ में बी को रखने से क्या आएगा, बी आएगा इक्वली आपकी क्योंकि डोमिनेंट है, और आई बी के साथ में अगर हम आई ओ को रखते हैं कंडीशन करते हैं तो ये आपका रिसेसिव एलील है, तो जब क्या आएगा आपका बी ब्लड ग्रुप आएगा, और आई ओ के साथ में हम आई ओ को रखते हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो क्या होएगा, तब आपका जा करके हमारा ओ ब्लड ग्रुप आएगा। अच्छा, और इनको हम फिर से इसलिए नहीं रख के दिखा रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन हमने कर चुके हैं पहले भी, आई ओ के साथ में ए और बी को रख करके। तो इस तरीके से देखिए आप पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं हमारे, 6 जीनोटाइप बनते हैं अलग अलग डिफरेंट। और जबकि अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो देखिए ए और बी और ओ और ए बी, यानी चार आपके जो हैं फिनोटाइप यहाँ पर भी बन करके तैयार होते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं, डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे हमारा मल्टीपल एलील का भी एक अच्छा एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरली हमने क्या था कि टू एलीलिक फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन टू है, यानी थ्री आपके एलील फॉर्म है, आई ए, आई बी और आई ओ, तो इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। जब कोई एक आपका जो कैरेक्टर होता है वो मल्टीपल एलील से आपका जो है शो होता है, तो वहाँ पे आपको कंडीशन क्या आती है, मल्टीपल एलील वाली। हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन टू, यानी कि थ्री एलील्स जो हैं वो गवर्न कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, एंड सिंस एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट। ज़्यादातर क्या होता है, दो एलील प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीपल एलील क्या होता है आपका, कैन बी फाउंड ओनली वैन पॉपुलेशन स्टडीड आर मेड। ज़्यादातर आपको जो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तब आपको मल्टीपल एलील की सिचुएशन आती है, जैसे फेस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वहाँ पे भी मल्टीपल एलील काम करते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन, और इसके दो आपके एलील फॉर्म है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और स्टार्च जो होती है सिंथेसाइज होती है इफेक्टिवली अगर हमारी होमोजाइगोटिक कंडीशन होती है, और लार्ज स्टार्च ग्रेन बनती है अगर इसके पास क्या होता है हमारा स्मॉल बी होमोजाइगोटिक कंडीशन होती है, तो क्या होता है उसमें लार्ज स्टार्च ग्रेन बनती है और इफिशेंसी क्या होती है स्टार्च सिंथेसिस की उसकी कम होती है, एंड प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन। यानी कि अगर आपकी कैपिटल बी और कैपिटल बी कंडीशन है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बन रही है और लार्ज आपकी उसकी क्या है सिंथेसिस कैपेसिटी है, लेकिन अगर स्मॉल बी है तो लेसर इफिशियंसी है। तो क्या होता है, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल बी एंड कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स क्या होते हैं रिंकल्ड होते हैं, और हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस्ड राउंड सीड एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील एंड बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस एंड of intermediate size, यानी capital B and small b seed. So if starch grain size is considered the phenotype, then from this angle the एल सो incomplete dominance. यानी अगर हम बात करते हैं आपका wrinkled और round shape की, तो जो capital B होता है वो round होता है उसकी वजह से, और wrinkled किसकी वजह से आता है, small b की वजह से आता है, तो ऐसा होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टार्च ग्रेन की साइज़ की, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर कंडीशन आ रही है तो आपकी जो स्टार्च ग्रेन है वो एक इंटरमीडिएट साइज़ की बनती है, जहाँ पे आपका क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ये। तो ये एक ही जीन से आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी और आपका जो है डोमिनेंस को भी शो करके दिखाया गया है। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर्स ऑफ अ जीन और अ प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस
from this produce as it does on the particular phenotype that we choose to examine in more than one phenotype is influenced by the same gene. यानी यहाँ पे आपके सेम जीन से जो है अलग अलग फिनोटाइप जो है वो शो करे जा रहे हैं. तो ये कहा इन्होंने कि एक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस का रूल जो है फॉलो करेगा, एक जीन जो है वो अलग अलग रूल फॉलो करके आपका अलग अलग फिनोटाइप भी जो है शो कर सकता है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.